नमस्कार, मु पुष्पांजलि पंडा झारसुगुड़ कौचे। आज कविता आसर पर मोर कवितार शीर्षक है वर्षा। रे वर्षा, तू सबुजिमा भरा शस्य श्यामला प्रकृति राणीर अनुपम अनवद्य सृष्टि। तोर आगमन में शुष्क धरा प्लावित हो उठे, तु धरणी गर्भरे नवजीवन संचार करू। रे वर्षा, तू सबुजिमा भरा शस्य श्यामला प्रकृति राणीर अनुपम अनवद्य सृष्टि। तु ही आकाशर नीलिमार इंद्रधनुर सप्त रंगे रंगे जाऊ। समग्र जीवजगत पाई धरापाई तु बरदान हो आसु। तु शुष्क धराबक्ष नवजीवन सृजनीर संभावना नहीं आसु। तोर अवतीर्ण तटिनी अर्णव आदि जलाशय पूर्णगर्भा हो उठे। तोर टीप टीप वर्षा पाणी प्रकृति राणी अनुपम शोभा सज्जित हुए। तोर रिम झिम वर्षा जल प्रचंड रौद्रतापर तप्तधरा शीतल हो उठे। रे वर्षा, तु सबुजिमा भरा शस्य श्यामला प्रकृति राणीर अनुपम अनवद्य सृष्टि। तोर आगमन को चातकी अपलोक नयन चाहि थाए। रे वर्षा, एवे किंतु तोर आगमन रे से उत्कंठा आई। तोर रिम झिम फुआर रे मन आउ आगपरी आनमना होना। तोर स्पर्श रे किशोरी मनरे नव उन्मादनार आउ संचार होना। रे वर्षा, तू तो आउ अतिथि होना। शीत पर खरा आउ खरा पर वर्षा, यह तो थिला नियतिर निर्धारण। तू तो आजिकल मन इच्छा आसी बर्षी दे चली जाऊ। केबे लघुचाप ना रे, केबे झड़ तोफान फोनी ना रे, तो आउ केबे महाप्रलयंकारी अम्फान रूप रे। तोर आसीबा जीवारे आमर से अपेक्षा जनित सराग आउ नाही। रे वर्षा, तथापि तोर आगमन रे धरापृष्ठ रे नवजीवन सृष्टि करे। साधव बहु भी लुचि लुचि नालीपाट पिंधि अलता रंजित पादरे नुपुर बजाई छम छम हे कणई कणई चाहि थाए। कृषक पाई तु बरदान हो आसु, आउ निराश्रय पाई तु काल हो आसु। रे वर्षा, तु सबुजिमा भरा शस्य श्यामला प्रकृति राणीर अनुपम अनवद्य सृष्टि। धन्यवाद।